नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार के इस वीडियो में। देश और दुनिया के तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों को लेकर आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हो चले। उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने अपने जीत की परचम को लहरा दिया है, जिसको देखते हुए विपक्षियों का पूरी तरीके से यहाँ हालत खराब है और पूरी तरीके से झटका लग रहा है। क्या कुछ बड़ी खबर है आपको विस्तार से महज 5 मिनट के अंदर बताया जाएगा। तेजस्वी यादव की अगर जीत चाहते तो वीडियो को लाइक और समर्थन दर्ज करना ना भूले। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जेडीयू के, यहाँ आपको बता दें कि अब अग्नि परीक्षा उपचुनाव के अंदर होने जा रही है और उपचुनाव के अंदर अग्नि परीक्षा के साथ साथ जेडीयू के अध्यक्ष की जयललन सिंह भी अपने पूरे ताकत को झोंक रहे हैं, चुनाव को जीतने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या कुछ बड़ी खबर है विस्तार से महज 5 मिनट। 22 तारीख को कांग्रेस शुरुआत करने जा रही है अपनी चुनावी सभाओं को। 22 तारीख से उपचुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे कन्हैया कुमार और कांग्रेस के हाथों को मजबूत कर उपचुनाव में जीत दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। क्या कुछ बड़ी खबर है किस तरीके से जीत हो रही है, ये आपको विस्तार से महज 5 मिनट में। लालू प्रसाद यादव ने अब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर हमला बोला है और किस तरीके से उन्होंने हमला बोला, क्या कुछ कहा आपको विस्तार से बताएंगे। लालू प्रसाद यादव उपचुनाव में स्टार प्रचारकों में नंबर 1 लिस्ट पर नाम होने के बावजूद भी बिहार में कब आएंगे, इस पर सस्पेंस आज भी कायर है। लोगों ने क्या कुछ कहा देखिए इसे विस्तार से 5 मिनट में। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जी, आपको बता दें कि केरल और साथ ही साथ उत्तराखंड के अंदर आज बादल फटने की तस्वीरें सामने आई, साथ ही साथ जलमग्न हो गया और एनडीआरएफ की टीम को मौके पर मुहैया कराई गई। दरअसल आपको बता दें कि लगातार बारिश होने के कारण मौसम में नमी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव को एक और नया रुख मिल गया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव में अखिलेश यादव अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ नए रणनीतियों के साथ 400 सीटों के दावों को पार करने वाले अखिलेश यादव को कांग्रेस की तरफ से लगातार झटके मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ने के कारण एक बार फिर से आम जनों की परेशानियां बढ़ गई। 1040 रुपए एलपीजी सिलेंडर का कीमत हो गया महज 18, आपको बता दें 78 रुपए जो सब्सिडी आने की तस्वीरें सामने आई। आम जनों ने कहा सरकार हमारे साथ ठीक नहीं कर रही, सरकार से बदला लेने के लिए तैयार। जहां आपको बता दें कि ट्रेनों को लेकर के नए परिचालन की तस्वीरें सामने निकल कर आई। दरअसल ट्रेन रोको आंदोलन के कारण छठ पूजा और दीपावली में आने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण जहां लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या कुछ बोले 5 मिनट में विस्तार से। बड़ी खबर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी सभाएं कर रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने आज ईद और मुहर्रम को लेकर के देशवासियों को हार्दिक बधाई दी ट्वीट करके उन्होंने, और साथ ही साथ क्या कुछ कहा आइए आपको विस्तार से बताएंगे महज 5 मिनट के अंदर। जी हाँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में T20 का तीसरा मुकाबला खेले जाने वाला है। दरअसल यह मुकाबले आपको बता दें कि दुबई में खेले जा रहे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल और नियमों के साथ साथ स्टेडियम में आने वाले तमाम लोगों को, तमाम दर्शकों को जी हाँ पहले जांच किया जा रहा है। क्या कुछ बड़ी खबर है विस्तार से 5 मिनट के अंदर। छठ पूजा जैसे महापर्वों को लेकर के बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छठ पूजा में बिहार आने वाले लोगों पर सरकार ने शक्ति दिखाते हुए कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल और नियमों का उल्लंघन करे जाने पर शक्ति के साथ की जाएगी कार्रवाई, और इसको लेकर सरकार ने क्या कुछ अपील किया आइए आपको विस्तार से बताते हैं क्या कुछ बड़ी खबर है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को एक नए मुकाम देने की तैयारी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को सीटें दिया जाएगा। 40% कांग्रेस अपनी सीटों को देगी जबकि 60% में ही पुरुष लड़ पाएंगे। लड़की हूं लड़ सकती हूं चुनाव दिया नारा, बड़ी खबर।
पप्पू यादव की जाप की अब विलय हो सकती है कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस के हाथों को मजबूत कर सकते हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव ने साफ तौर पर बिहार के युवा, बिहार के एक बेटा वो के नाते वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बिहार को आगे बढ़ाएं, लेकिन अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना कि जाप की विलय होगी कांग्रेस के अंदर। सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से बताएंगे, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ आज की बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों के साथ साथ फ्यूचर में भविष्य में बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए बढ़ते आज की बड़ी खबर की ओर। तेजस्वी यादव ने उपचुनाव में अपनी जीत के परचम को लहराना शुरू कर दिया है, यही तो कारण है कि अब तेजस्वी यादव की उपचुनाव में जबरदस्त भीड़ इकट्ठा दिखाई दे रही है। उनकी सभाओं में तारापुर हो या तिलकेश्वर धाम, इन तमाम सीटों पर जहां पूरी तरीके से उपचुनाव के अंदर एक नया दिशा दिख रहा है। एक नया दिशा दिखने का कारण कई चीजें हैं, आपके जानकारी के लिए बता देते हैं कि पूरा अब तेजस्वी यादव का एक ही निगाह हो गया है कि वो हर हालत के अंदर उत्तर आपको बता दें उपचुनाव के अंदर जीत हासिल करना चाहते हैं, और जीत अगर उन्होंने हासिल कर लिया तो AIMIM के समर्थन से बिहार में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। वो इसी चीज को वो अपने माइंड में बैठा सकते हैं, लेकिन आज मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आज नहीं विधानसभा चुनाव के समय ही बन चुकी है, लेकिन चोर दरवाजे से आई इस सरकार ने हमारे तमाम विधायकों को 10-10 वोट, 15-15 वोट, 20-20 वोट से हरा कर साबित कर दिया कि ये तनाशाही और सिर्फ चल रही है। तो आपको बता देते हैं कि बिहार के अंदर जिस तरीके से EVM और DM पे सवाल उठा, सवाल जहां बिहार के चुनाव व्यवस्थाओं पर उठा, तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अब उपचुनाव में किसकी जीत होगी किसकी हार होगी यह तो समय बताएगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपना पूरा ताकत जो है वो उपचुनाव के अंदर झोंक दिया है जीत हासिल करने के लिए। पूरी खबर 5 मिनट में। जी आपको बता दें कि बदलते मौसम के साथ सब्जियों की कीमत भी बदलने लगी है, हरी शाक सब्जियां दांत लोगों के खट्टे कर रही है। प्याज की कीमत 75 रुपए पार कर गया, वहीं आपको बता दें कि हरी शाक सब्जियों की बात करें तो 50 के पार कर गया। आम जनों ने कहा कि सरकार क्या कर रही है, सरकार किस नींद में सोई हुई है, प्याज की नई खेप आने के बावजूद भी प्याज 70 के आंकड़े को पार कर गया है। 75, 80 और 85 रुपए आपको बता दें कि प्याज को बेचा जा रहा है। ये कौन सी सरकार है जहां महंगाई को कंट्रोल करने के बजाय महंगाई को दिन दुगुना और रात 4 गुना बढ़ा दिया जाता है। इसको लेकर आम जनों की परेशानियां सामने आई, सरकार से सीधा सवाल अब जनता करने लगी है। महंगाई की मार पर सरकार का पहले वार और उसके बाद में विश्वासघात किया जा रहा है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, प्रियंका गांधी ने सारा चीज ही बदल दिया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर प्रियंका गांधी ने ऐसा रणनीति बनाया जैसे मानो कि वो कांग्रेस को एक नई मुकाम को हासिल करवाने जा रही हो, और साथ ही साथ भाजपा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करने जा रही है। सभी ने नई रणनीति तो बनाई, किसी ने ब्राह्मण वोटर्स को साथ लाने की कोशिश की, किसी ने हिंदुवाद को बढ़ावा देकर हिंदुओं को साथ लाया, तो किसी ने नए समीकरण के साथ 400 सीटों को पार करके दावों को मजबूत कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने एक ऐसा दावा खेल दिया, एक ऐसा गेम खेल दिया कि इस गेम के बाद में लगने लगा कि अब उत्तर प्रदेश में भैया कोई है तो वह है कांग्रेस, और यहां पर कोई है तो वह प्रियंका गांधी, क्योंकि यहां पर 40% प्रियंका गांधी की पार्टी कांग्रेस की जो सीटें हैं वो महिलाओं को दी जा रही है। बेटी हूं लड़ सकती हूं चुनाव, लड़की हूं लड़ सकती चुनाव, या नारा देकर जब प्रियंका गांधी ने सारे जितने भी राजनीतिक पार्टियां थे इनके कमर तोड़ रखी है। अब यही कारण है कि कमर टूटने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने जा रहा है, और वहीं समाजवादी पार्टी को जबरदस्त झटका लगने जा रहा है, क्योंकि 400 सीटों को तो पार करने के बाद को लेकर जो बात कही जा रही थी वो कुछ समय तक ठीक था, लेकिन लखीमपुर खीरी वाले मामले के बाद में प्रियंका गांधी ने पूरे तीखे वर्ग के साथ कांग्रेस को यूं ही आगे बढ़ा दिया है। बड़ी खबर 5 मिनट में।
लगातार हो रही बारिशों के कारण मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने को कह दिया है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है, जिसमें नोएडा, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, केरल, बिहार, झारखंड समेत कई राज्य शामिल है। मौसम के बदलते मिजाजों में एक बार फिर से हो रही बारिश के कारण लोगों की तकलीफें बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने भयंकर अपडेट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने लोगों को घरों में रहने के लिए सतर्क किया। इस बार कच्ची बिल्डिंगें गिरने के कारण कई लोगों की ईंट और पत्थर में दबने के कारण मौत हुई है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क किया और मौसम विभाग ने अलर्ट पर लोगों को रखा है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट किया गया कि आप इस बार सावधान हो जाएं। और साथ ही साथ उत्तराखंड के अंदर एनडीआरएफ की टीम को केंद्र सरकार राज्य सरकार ने मुहैया कराया, क्योंकि बादल ही फट गया। बड़ी खबर है विस्तार से। बड़ी खबर है, पप्पू यादव ने अब एक बड़ा प्रस्ताव आपको बता दें कि रखा था, और यह प्रस्ताव उपचुनाव में उन्होंने रखा था। उन्होंने कांग्रेस के सामने यह बड़े प्रस्ताव को रखते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस चाहे तो जाप के साथ आकर गठबंधन कर और अपने जी हाँ पार्टी को मजबूत कर सकती है। लेकिन इस बात को जाप के प्रमुख पप्पू यादव ने रखा तो था, लेकिन इस बात पर मुहर उस वक्त नहीं लगी जब जहाँ कांग्रेस की ओर प्रस्ताव रखा गया कि जाप को विलय कर दीजिए, जाप को आप कांग्रेस के अंदर विलय कर दीजिए और कांग्रेस के अंदर आप आ जाइए। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है, जब कांग्रेस के हाथों के हाथ को मजबूत करते हुए नजर आएंगे पप्पू यादव, और जाप जो है वो एक तरीके से तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा कांग्रेस के अंदर। अब यह सारा चीज पप्पू यादव की पत्नी कर रही है, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, और उनके द्वारा ये का किया जा रहा है। अब पप्पू यादव का एक नया दौर की शुरुआत होने जा रही है। पप्पू यादव जी हाँ कांग्रेस के नेताओं का समर्थन करते हुए नजर आएंगे तमाम उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए, वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार भी वो करेंगे। तो कन्हैया कुमार और अगले बार पप्पू यादव की बारी आ गई।